यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल जगह नहीं है तो वो लोग हम पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, लेकिन यहाँ ये बुढ़ाजा टेम्पल, इसको कम पपंगा पर्वत। तो पूरे भारत का जय हिंद एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ मेजर ब्लॉग्स। वी आर नाउ एट पपंगा हिल। ये बहुत ही रीजन से फेमस है और जिस रीजन से मैं यहाँ आया हूँ वो है कि वीर सुरेंद्र साय, सभी ने नाम सुना ही होगा, वीर सुरेंद्र साय जो कि फ्रीडम फाइटर थे, ये यहाँ पे हाइड आउट करते थे ब्रिटिशर से बचने के लिए। तो शुरू से देखिए, और मेरे साथ हैं नरसिंह सर और सुजल सर और हनुमान जी। Out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling. ये दो लड़के हैं जो नर्सिंग और उसका फ्रेंड, ये दोनों मेरे को गाइड कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। और ये लोकल से ही हैं क्या? तो मेरा पहला पॉइंट था बदांगिर से ऐसरामपुर, और उसके बाद हम ऐसरामपुर से नर्सिंग उसके फ्रेंड को पिक करके हम लोग जा रहे हैं, वो जो हिल है पपंगा हिल, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जब देख रहे हो धान पड़ा हुआ है नीचे, तो सोच रहे हो कि रोड ब्लॉक करके रखा है इन लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग गांव से नहीं है उनको बता दूं कि ये नेचुरल तरीका होता है अपना धान सुखाने का। तो आपको टाउन में ये सब कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो हम हैं ये भेड़न में, बरगढ़ के पास, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है, वहाँ ब्रिज है और इस ब्रिज में ये लोग यहाँ पे धान सुखाएं ऐसे। ये चीज़ आपको अभी ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ये सब। Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. तो यहाँ से शुरुआत होता है इसका, छोटा सा स्टेप है, इसे आगे जाएंगे और ये ऊपर तक चढ़ना है। हाँ। और आई गेस हमें पहले यहाँ चढ़ेंगे और उसके बाद ये पूरा है और एंड तक बने रहे। आपका आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये वीर सुरेंद्र साय का जो हाइड आउट था वो है। तो ये है उसका एंट्रांस, स्वागतम स्वागतम पपंगा पर्वत। तो ये स्टेप कितना होगा किसी ने काउंट नहीं किया। सो मे बी दिस विल बी अराउंड 200 स्टेप्स, पता नहीं कितने स्टेप्स चढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है अभी से। अभी ये ख़त्म होने वाला है, नर्सिंग सही हो जाएगा। यस सर। नर्सिंग कोल्ड ड्रिंक की हॉट ड्रिंक है? हॉट ड्रिंक सर। यहाँ बीच बीच में लिखा हुआ है स्टेप्स कितने काउंट हुए हैं, तो एक पॉइंट पे लिखा होता है कि हम लोगों ने 150 स्टेप्स चल लिया है, बहुत बाकी है अभी। तो ये बुढ़ाजा टेम्पल, इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से पूरा एरिया दिख रहा है। और सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 250 स्टेप्स और ये पॉइंट तक 270 स्टेप्स हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी है 274 स्टेप्स। Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me. Dinosaurs का फुटबॉल। यहाँ पहुँचने के बाद जहाँ पर स्टेप्स ख़त्म होता है, थोड़े आगे चलने के बाद आपको ये मंदिर मिल जाएगा, श्री रामचंद्र योगाश्रम यहाँ पे है। और इससे अंदर आते ही ये टेम्पल है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आपको ये पॉन्ड दिख जाएगा, पहाड़ के इतने ऊपर ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा कि पहाड़ के इतने ऊपर ये कैसे सर्वाइव करता है इतने बड़े एरिया में, काफ़ी अच्छा दिखता है ये।
जो वीर सुरेंद्र से आए थे फ्रीडम फाइटर, कैसे यहाँ पे चिपते थे ब्रिटिशर से। यहाँ पे काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप आराम से छुप सकते हैं। यहाँ पे ये जगह देख लो, यहाँ से पीछे आप छुप जाओ, गोरा सरकार आपको देख नहीं पाएगा। मान लो नरसिंह गोरा सरकार है और मैं यहाँ छिप जाऊँ तो मेरे को देख नहीं पाएगा। Life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring wetter. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. ये देखिए सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी 6 फीट चढ़ के आ चुकी है। अभी हम लास्ट पॉइंट में पहुँच चुकी है, फाइनली पहुँच चुकी है। सर ये रनिंग कर रहे हैं, देखो तो ये पहाड़ का टॉप है, ये हम हैं और ये हमारे पारी चल रही है। अब मैं सोऊंगा। ये सर सो गए हैं, ये देखिए थक के, ये देखिए अपना पैक बंद है, पारी चल रही है, टाटा ग्लू का ब्रांड है। यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, देखिए टॉप का व्यू आप देख सकते हैं, ये यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए वो पॉन्ड, अरे पोपंगा का वो एरिया, ये टुटाल पहाड़ का व्यू है। वो सार और वो सुयल बैठे हुए हैं, टाटा ग्लू को पी रहे हैं। यहाँ के बाद ऐसा नहीं लगता है कि आप अपने लोकेलिटी में कहीं पे हो, पूरा ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं बाहर बहुत बड़े हिल स्टेशन में कहीं पे हो, जैसे कि नैनीताल, देहरादून कहीं पे ऐसा कुछ। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और ऐसा जगह है कि आप यहाँ से थोड़ा भी इस पॉइंट थोड़ा नीचे गए तो सीधा 300-400 फीट नीचे जाओगे। तो ये भी ऐसा ही है, ये लास्ट है, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे आप गिरोगे बस और कुछ नहीं। आप देख ही सकते हो यहाँ से नीचे बहुत डीप है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये आई डोंट वांट टू गो देयर। तो अभी हम वो सुरंग ढूंढ रहे थे जहाँ से
वीर सुरेंद्र शाह छिपते थे ब्रिटिशर्स से, और वो जगह शायद हमको मिल गया लगता है। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमको वहाँ जाना है नीचे, तो देखते हैं ये है वो कि नहीं। तो ये है सुरंग का रास्ता नीचे जा रहा है, उतरना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यस इट इज़ पॉसिबल। आपको दिखाऊंगा कि नीचे कहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, हम उतर के ही नीचे ही चले जाएंगे। तो ये रास्ता पहले नरसिंह जा रहा है, वो बताएगा कि सेफ है कि नहीं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। आप लोग सोचिए कैसे वीर सुरेंद्र शाह से गुजरते होंगे। हाँ एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, ब्रिटिशर्स उनको ढूंढ ही नहीं पाते होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ रास्ता हो सकता है। दैट्स व्हाई हाँ ये लगता है कि यहाँ से रास्ता है। हाँ ये है, बहुत ही छोटा सा जगह है लेकिन ठीक हो। मेरे प्यारे ऑडियंस सैर कर देना इसको, बहुत मेहनत हो रहा है, तो दुआ करना, दुआओं में याद रखना। वाजा हो जाएगा, भारत माता की जय। ठीक पढ़ो जय। हाँ चलो। ओके 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 वाह। बैग अभी आ रहे नरसिंह। जय माँ समली भाई। बहुत ही अंधेरा है, ट्राई कर रहे हैं अंदर जाने की। बहुत सुंदर जी, मतलब छोट गोली है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या है, फिर भी ट्राई करते हैं जाने के। चलो चलो टॉर्च में हम लोग जा रहे हैं। आगे रास्ता है या नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सो ऐसा लगे पूरा हॉरर मूवी का शूटिंग हो रहा है यहाँ पे। You should come once. Definitely यहाँ पे एक बार आना चाहिए। बकायद खोल करो। बहुत चुपचाप। चलो चलो चलो। ये आगे आ रहा रास्ता मुझे। जीवन में बहुत बना हुआ यहाँ पे। डरा रहा हूँ सुजल को। सुजल। आगे रास्ता ही नहीं है। सुजल ट्राई कर रहा है अंदर। छोटा सा दिख रहा है लाइट। वो सुजल है। तो ये किसी ने मार्क किया है पहले से? यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, लेकिन यहाँ छुपते थे यहाँ पता नहीं, लेकिन अंदर जगह है, थोड़ा जगह है। हाँ ये जगह, हाँ और भी जगह है अंदर जाने का। तो आप लोग सोचिए जब वीर सुरेंद्र शाह छिपते होंगे यहाँ पे भागने के लिए ब्रिटिशर से, तो कितना मुश्किल होता होगा उनको। ये सुजल पहले ट्राई कर रहा है चश्मा फुसमा भेजो और उसके बाद अगर होता है तो हम जाएंगे। और सुजल तो चला गया नीचे। ये मासूम ले। ओके तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत सकरा। यहाँ पे डिस्कवरी वालों को आना चाहिए एक बार कि क्या है यहाँ पे जगह। शायद मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो हियर आई एम। यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, और आगे है कि नहीं जगह हमको बिल्कुल नहीं मालूम। यू कैन सी देयर इज अ बैट ओवर देयर, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आगे है बैट चमगादड़। बस खून ना पिए। अभी यहाँ पे इतना ही जगह है, मतलब एक साइड पे ही मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल, और ये देख लो ये जगह है बस, मतलब पूरा ये पत्थर, थोड़ा सी जगह है बस, अगर ये गिर गया तो हम लोग ख़त्म। अच्छा कि यहाँ बहुत ठंड है, मतलब एसी फेल हो जाएगा यहाँ पे, इतना ठंड है। देख लो इतना सा जगह है, हम इतने में जा रहे हैं। यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये जगह कैसा हुआ क्या नहीं, लेकिन आने के बाद लग रहा है इट इज़ वर्थ इट, नॉट इवन वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट। और जो चढ़ाई हो रहा है अभी, यू कैन नॉट इमेजिन कि हम क्या क्रॉस कर रहे हैं अभी। अब ये देख लो इतना सही जगह है, अभी अंदर थोड़ा जगह है। तो ये अभी समझ में आ रहा है कि वीर सुरेंद्र शाह को अंग्रेज सरकार
इतने दिन तक पकड़ क्यों नहीं पाई, यही रीज़न है कि आगे यहाँ पे बहुत मुश्किलों के साथ चढ़ाई करना पड़ता है। ये इतना सही जगह है, देख लो, बस इतने से ही जम जा रहे हैं। पता है कि इसके फियर को क्या बोलते हैं, कुछ फोबिक बोलते हैं, मेरे को अभी पता नहीं ठीक से। मतलब पहाड़ के अंदर का जो फोबिया होता है, किसी को पता है तो कमेंट करके बता देना इसको क्या बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक डर है मेरे को कि अगर ये पहाड़ नीचे गिर गया तो हम लोग फिर गए। ये सुजल पहले शहीद होगा। गाइड हाँ, सुजल गाइड है, ये शहीद होगा, उसके बाद हम सब शहीद होंगे। क्या आपको पता चल रहा है कि हम कितने टाइट जगह में जा रहे हैं? ये हम यहाँ पे सो के स्लाइड करके कर जा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। पता नहीं, लेकिन शायद हम आ चुके हैं तकरीबन 50-60 फीट तो अंदर आ चुके ही होंगे, और बहुत नीचे है। लेफ्ट में एक कॉरिडोर है, यहाँ पे कुछ खाली है, राइट में एक कॉरिडोर है, ये भी खाली है, और नीचे रास्ता जा रहा है। मतलब प्रोबेबली दिस इज द टफेस्ट पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा भी जगह नहीं है। मे बी दिस इज द टफेस्ट पार्ट नाउ, यहाँ से इतना ही जगह जितना आपको दिख रहा है। अभी थोड़ा ओपन स्पेस आ रहा है यहाँ पे, और थोड़ा डीप भी हो रहा है। सो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुजल को और नर्सिंग को फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू सुजल सर। दो रास्ता है यहाँ नीचे आने के बाद, दो रास्ता है वहाँ पे, तो सुजल विल अगेन गाइड अस कि हमको जाना कहाँ है। अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा जगह है यार है नर्सिंग, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर से आप अगर देखे हो तो बिल्कुल नहीं लगता कि नीचे कोई जगह होगा भी। तो आप सोच लो कि ब्रिटिशर्स को भी कितना मुश्किल हुआ होगा सुरेंद्र साय को पकड़ने में। तो ये थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा ही बस जगह है यहाँ पर राइट साइड में, और ये दो रास्ता जा रहे हैं यहाँ से, एक इधर को और एक इधर को। तो हमको अभी डिसाइड करना है कि हमको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, नहीं तो अगर गलत चले गए तो पता नहीं क्या होगा। नर्सिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया निकला है कि हमको जाना कहाँ, राइट या लेफ्ट, जहाँ पे पॉलिथीन पैकेट गिरा हुआ है, ये सफल का पैकेट गिरा हुआ है, हमको वहीं पे जाना है। ये सच सच में बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि लोग यहाँ से पहले जा चुके हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो है कि नहीं यूट्यूब में मेरे को पता नहीं, आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम ये इतना डीप हम कोई वीडियो बना रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है ना। और क्या बनाइए भीतर का वीडियो बंदा, मेरे को नहीं लगता किसने बनाया होगा वीडियो इसके ऊपर, अगर बनाया तो हेड्स ऑफ टू दैट मैन। लेकिन देख लो, ये नर्सिंग, ये सुजल और मैं, यहाँ पे आते हो तो मैं बता दूँ आपको लेफ्ट आना है, ठीक है, ध्यान देना है। भारत माता की जय, भारत माता जय, और आपको लेफ्ट ही आना है, ध्यान रखिए। इट्स अ रियली नाइस फीलिंग कि हमको रास्ता दिख गया, और खुशी भाई, बहुत खुशी, बहुत खुश। मेरे को तो लगता है हम कम से कम 100-150 फीट नीचे उतर ही आए होंगे, बागद्वेल संबलपुरी में। बागद्वेल, तो जगह का नाम है बागद्वेल संबलपुरी से, संबलपुरी। तो बहुत लोग एक्चुअली कंप्लेन रहता है कि मैं हिंदी में क्यों बात करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे एरिया को, मेरे इन्फॉर्मेशन को, मेरे को इंडिया वाइड पहुँचाना है, तो यही एम रहता है, दैट्स वाई आई स्पीक इन हिंदी। आई होप आपको आगे थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, वो जो तीन डॉट दिख रहे हैं ना, वो है एग्जिट, हमको वहाँ से आगे जाना है। तो और थोड़ा सा रास्ता बच गया, चलते हैं। हाँ, ये बागद्वेल है, और मेरे गोप्रो का 2 बैटरी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इतना बड़ा वीडियो है। एक्चुअली नर्सिंग का आइडिया पूरा मस्त था, इसको आर्मी में जाना ही है। और एक मैसेज देना चाहूँगा सबको कि अभी जो कर्नाटका साउथ इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा है नॉन हिंदी मूवमेंट, उन लोगों को हिंदी पसंद नहीं बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो लोग हिंदी नहीं बोलते, उनको उनका ही लैंग्वेज बोलना है, ठीक है बोलो, लेकिन ये भी तो मानना होगा कि हिंदी अपना नेशनल लैंग्वेज है, तो किसी को भी बोलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई भी प्रकार का कुछ भी इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा है भी नहीं, आपको पता ही चल गया होगा, फिर भी आई वॉन्ट टू गिव मैसेज टू एंटर इंडिया कि मैं कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करता हूँ। तो फाइनली अभी लाइट बंद करने का टाइम आ गया है, सो मंजिल पे पहुँच गए। हाँ, तो अभी देख लो, ये पहुँच गए हम, ये जो आपको लाइट दिख रहा है ये है एग्जिट, लेकिन पता नहीं हम कहाँ निकलने वाले हैं, ऐसा ना हो कि पहाड़ के एंड में निकले और आगे रास्ता ही ना हो। तो जब हम वहाँ पे टिकट काट रहे थे, उसने हमको वार्निंग भी दिया था, मधुमक्खी का छत्ता मिल जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो यही हमको डर लग रहा है कि ये वो ना हो। लेकिन यहाँ तो कुछ तो साउंड हो रहा है, सुनो किसी नहीं, तो वार्निंग यही था कि आपको आवाज़ नहीं करना, आराम से जाना है, तो वही हम कर रहे हैं।
लगता तो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, तो वी कैन बी सेफ योर नाउ। तो फाइनली हम नीचे पहुंच गए हैं, नीचे तो नहीं लेकिन पॉइंट पहुंचे जहाँ कि ये ख़त्म होता है। भारत माता की जय। जय जय। और सो जाओ। कैसे सो भाई, पूरा बेड बन जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा ही रेस्ट कर रहा था कि ऊपर मधुमक्खी छत्ता है, जैसे कि उसने हमको वार्निंग दिया था कि ज़्यादा बात नहीं करना है, अगर ज़्यादा बात करेंगे उनका आवाज़ आएगा तो वो लोग हम पर अटैक कर सकते हैं। तो ये है वो आगे छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, बस वही मधुमक्खी छत्ता है और कुछ मधुमक्खी उड़ भी रहे हैं यहाँ पे। तो जितना जल्दी हो हमको यहाँ से चला जाना है। ये दो नंबर गाइड और पूरा पहाड़ देख लो, यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। ज़्यादा थकान हो गया, हमने दो दो बोतल पानी पिया, एक स्प्राइट पिया, एक टाटा ग्लूकोज पिया, फिर भी टायर्ड। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आगे उतरना भी है और सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक जो पॉन्ड था वहाँ पे थोड़ा नहाएंगे भी। तो एंड तक बने रहना, देखते हैं। जो मैंने जो केव से हम क्रॉस कर रहे थे, जब भी आपको बताया था कि नर्सिंग का आइडिया ये है, ये सच में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको आगे फॉलो भी करना चाहिए जब भी आप कहीं पर गुम हो जाओ, कि आपको जो भी ह्यूमन मार्कर्स मिले, जैसे कि उसने बोला कि कोई खाने का पैकेट, चप्पल, कुछ भी ऐसा पैकेट मिल जाए, कुछ भी ह्यूमन मार्कर्स मिल जाए, उसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली उधर से कुछ कोई ना कोई उतरा होगा, तो दैट्स अ गुड साइन। अभी हो गया अपना रेस्ट ख़त्म, अभी हम लोग उतर रहे हैं। अभी और एक कन्फ्यूजन है कि हम उतरना कहाँ से है, क्योंकि यहाँ से उतरते ही पूरा डायरेक्ट नीचे जाएंगे हम लोग, तो पहले रास्ता ढूंढेंगे उसके बाद जाएंगे। तो एक रास्ता इधर से है दिखाई दे रहा है, और एक रास्ता इधर से कहीं से है, ये हमको डिसाइड करना है। अभी भी हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ से उतरते हैं तो ये नीचे पूरा गिरेंगे नीचे, तो हम यहाँ से नहीं उतरेंगे, यहाँ से स्लाइड होते हुए ये दोनों पहाड़ के बीच में से स्लाइड होते हुए आगे जाएंगे। तो अभी और थोड़ा बाकी है, एजेंसी कितना बहुत ही नैरो है, ये पैसेज नैरो भी है और स्लीपरी भी है, तो अभी ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है। ये थोड़ा रिस्की है, लेट मी शो यू, यहाँ पे थोड़ा पैर फंसा के थोड़ा बैलेंस कर मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से गिरता तो ये नीचे गिरता, तो अब भी गिरता, तो बच गया भाई, अभी उतरते हैं। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पैर मुड़ जाएगा और घर नहीं जा पाएंगे, बस उतना ही होगा। तो आगे हम नीचे, थोड़ा सा बाकी है, अगर यहाँ पे बैर गिल्स आता है तो डेफिनेटली वो उसको ऑस्कर मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको बस वीडियो में शेयर मिलेगा। एक बार सब देख लो, ये सारे जो आपको मधुमक्खी छत्ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ टेंशन हुआ ना तो हम तो गए। अभी नर्सिंग का प्लान किया, इसको पत्थर मार के चले जाएंगे, फिर बचोगे नहीं भाई उसके बाद सर। अभी हम आ चुके हैं नीचे, और जो कि पॉन्ड मैंने आपको दिखाया था, अभी प्लानिंग है थोड़ा वहाँ पे कूदेंगे, और जाते टाइम बहुत मेहनत लगा, उतरते टाइम कुछ लगा नहीं, इट वाज क्वाइट इजी। तो नर्सिंग टेस्ट कर रहा है, अगर पानी ठीक रहा और ज़्यादा अगर दलदल नहीं है तो हम इसमें कूदेंगे। ये देखो चारों तरफ पहाड़ और ये ठंडा ठंडा पानी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा टोटल, ट्रैकिंग वहाँ पे हमने ट्रैकिंग किया था, वो ये पहाड़ चढ़ के वहाँ से फिर हम इधर से नीचे आए, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा टोटल सब मिला के। और ये नर्सिंग गया है, वहाँ पे एक पत्थर है,